मैं फिर से एक बेहतरीन मशीन का, बहुत ही छोटी बहुत ही प्यारी मशीन का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। देखने में आपको सारी मशीनों जैसा ही लग रही होगी, लेकिन अगर इस वीडियो को आप आखिर तक देखोगे तो आपको बीच बीच में पता चलता जाएगा कि इसमें क्या चेंजेस हैं। जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं बताता जाऊंगा, और जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो धीरे धीरे वीडियो के साथ साथ आपको पता चलते जाएंगे। तो चलते हैं मशीन के नज़दीक। इसमें लगाया गया है आइसर का ही ब्रांड न्यू 14 हॉर्स पावर का डीजल इंजन, जो कि सेल्फ स्टार्ट है, क्योंकि छोटी मशीन में ये प्रॉब्लम थी कि जो इंजन थे वो सेल्फ स्टार्ट नहीं आ रहे थे। इसके पहले हम छोटी मशीन में आप लगा रहे थे फील्ड मार्शल कंपनी का इंजन, तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं था, वो हैंडल से स्टार्ट करना पड़ता था, तो कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को तकलीफ होती थी। ये सेल्फ स्टार्ट हो गया तो आसान हो गया, मशीन में बस चाबी घुमाइए और जो है इंजन स्टार्ट हो गया। ये एक सबसे बड़ा चेंज है, 14 हॉर्स पावर का है। कैपेसिटी इसकी रहेगी कि ये 200 से ज़्यादा फीट तक, 220-230 फीट तक ड्रिलिंग करने की क्षमता रखता है। ये मशीन की कैपेसिटी जो रहेगी ऐसे 230 तक आप जा सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर जो चेंज किया गया है, पहले छोटी मशीन में हिच जो ये ट्रैक्टर में कनेक्ट करने वाला पार्ट है ये रोटरी हेड की तरफ लगता था, अब इस मशीन में चेंज करके इसको इंजन के साइड में लेके लाया गया है, क्योंकि उसमें क्या होता था, हैंडल स्टार्ट करना होता था, तो यहाँ पर हैंडल स्टार्ट करने की वजह से कुछ तकलीफ ना हो, इसलिए इसको पीछे की साइड लगाया जाता था ताकि कोई चोट की संभावना ना हो। लेकिन ये इंजन जब सेल्फ स्टार्ट हो गया है तो इसमें चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज किया गया भी है। और कभी आपको अगर हैंडल से स्टार्ट करना भी पड़े तो ये हिच जो है पोर्टेबल लगाया गया है, आप इसको सुविधाजनक रूप से खोल के भी रख सकते हो ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना होने की कोई संभावना ना रहे। जो बेस जैक हैं, जैक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैक लॉक के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, तो जैक लॉक और जैक के बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। वाटर पंप जो 3x3 का वाटर पंप है, 2 आउटपुट के साथ, एक इनपुट हो गया, 2 आउटपुट हो गया, एक रोटरी हेड में जाएगा, एक फ्री रहेगा जी। ये दोनों का इस्तेमाल मैं कई बार बता चुका हूँ, हर मशीन में बताया जाता है कि एक रोटरी हेड में जो जाता है और दूसरा जो फ्री रहता है, वो जब आप ड्रिल रॉड चेंज करोगे तब उन दोनों का इस्तेमाल होता है। तो डीजल इंजन के बारे में और कुछ आपको जानना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, कि ये कितना कैपेसिटी वगैरह मैंने सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप जान सकते हो। बाकी सारी मशीनों की तरह इसका भी वर्किंग प्रोसेस सेम है। मेन हम इसमें बात करेंगे कि चेंजेस क्या क्या हैं पिछली वाली मशीन से, तो पिछली वाली मशीन से अब जो चेंज है, एक मेजर, दूसरा मेजर जो चेंज है, इंजन तो पहला सबसे बड़ा चेंज हो गया, इसके बाद दूसरा मेजर चेंज है कि ये मशीन फोल्डेबल भी है। पहले जो छोटी मशीन बनती थी वो स्टडी टावर होता था, वो टावर जो है फोल्ड नहीं होता था, तो इसमें फोल्डेबल टावर लगाया गया है। ये नट आप खोल के, और ये देखिए बैलेंस, ये जो यहाँ पर सेंटर हो गया, यहाँ पर इस हैंडल को आप ऐसे दो लोग पकड़ के बैलेंस में, रोटरी हेड को आप बैलेंस में लाओगे, बीच में लाओगे यहाँ तक, और ऐसे पकड़ के आप रख दोगे, तो ये जो है ना ये स्टैंड लगाए गए हैं यहाँ पर, ये जो टावर रख जाएगा। तो दूसरा ये मशीन, ये मेजर चेंज है छोटी मशीन में, जो 14 हॉर्स पावर में हम फील्ड मार्शल इंजन के साथ बना रहे थे उसमें। और उसके बाद क्या चेंज है, ये जो हाइड्रोलिक मोटर आप देख रहे हो, हाइड्रोलिक मोटर इसमें लगाई गई है BMR 315, आपको दिख रहा होगा, यस 315 BMR 315 की लगाई गई है। पहले ये BMR 200 लगती थी, जो कि थोड़ी छोटी रहती थी, इसका टॉर्क भी उससे ज़्यादा है। टॉर्क का मतलब है कि घुमाने की जो क्षमता है वो इसकी ज़्यादा है। और चेंजेस क्या है, ये एक बॉक्स, ये जो एक विंडो लगा दी गई है ताकि अगर आपको ग्रीसिंग वगैरह, बॉक्स में ग्रीसिंग वगैरह करनी पड़ जाती है, पहले क्या होता था पूरा बॉक्स आपको खोलना पड़ता था, वो झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, आपने ये नट खोला और ढक्कन खोल के आपने ग्रीसिंग ऑयलिंग वगैरह जो भी करना है वो आसानी से कर सकते हो। तो हमारा काम है मशीनों को सुविधाजनक बनाना, हमने कोशिश करी है कि मशीनों को हम सुविधाजनक बनाने की कोशिश करें। और आगे चलते हैं तो और जो बड़ा चेंज है वो ड्रिलिंग हेड का है। यहाँ पर जो ये ड्रिलिंग हेड है, ये स्पिंडल है, जो ये पहले के कंपैरिजन में काफ़ी थिकनेस इसकी बढ़ाई गई है, काफ़ी मोटा किया गया है ताकि पहले क्या होता था ना कि यहाँ पे ये पानी, देखिए गंदा पानी, बालू वगैरह चलती है तो ये कट जाता था, और यहाँ पर जर्क भी लगता है नीचे जब हार्ड स्टेटा है, तो ये जर्क करने की वजह से, ये पहले इसको नट बोल्ट से लॉक किया जाता था, तो वो क्या होता था, नट बोल्ट धीरे धीरे ढीले हो जाते थे और वो ज़्यादा जगह बना देते थे। अब इसको दूसरे तरीके से बनाया गया है,
अब इसका लाइफ लॉन्ग हो गया है, बहुत अच्छी लाइफ हो गई है, ऐसे कह सकते हैं। लाइफ लॉन्ग तो नहीं कह सकते कि पूरा जीवन चलेगा, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ हो गई है कि ये आपको तकलीफ नहीं देगा कि जल्दी से ख़राब नहीं होगा। मास्टर सॉकेट हम एमएस का लगाते थे पहले भी, वो अभी भी लगा हुआ है। यहाँ पर छोटे व्हील जो लगते हैं वो लगेंगे ही लगेंगे, सारा कुछ बनेगा ही बनेगा उसी तरह का। मोटर के बारे में मैंने बात कर ली, ये कंट्रोल पैनल हो गया, कंट्रोल लीवर हो गए, कंट्रोल लीवर एक घुमाने के लिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह का घुमाएगा, और एक जो है ये लिफ्टिंग के लिए और नीचे लाने के लिए हो गया। ओके, तो आगे चलते हैं। ये हाइड्रोलिक टैंक हो गया। हाइड्रोलिक टैंक पहले इस मशीन में यहाँ पर ऊपर रखा जाता था, क्योंकि टावर जो है फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं थी या होता नहीं था। अब क्या है, टावर फोल्डेबल है, तो जब फोल्डेबल टावर है तो फिर ये जगह यहाँ पर इसको ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में लगाया गया है ताकि ये टावर जो है यहाँ पर फोल्ड हो जाए। फोल्ड होने का रीज़न ये है क्योंकि ऐसे भी जिस पोजीशन पे मशीन आपकी खड़ी है तो ये करीब 7 फीट की हाइट होती है, तो 7 फीट की हाइट में कई बार क्या होता है ना, नॉर्मली घरों में 7 फीट के दरवाजे नहीं होते, तो इसको कर दिया गया है फोल्डेबल। तो जब ये फोल्ड हो जाएगा तो ये करीब 6 फीट से नीचे ही रहेगा, सीधी सी बात है, 5 फीट से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 5-5.5 फीट तक की हाइट तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक पंप की। तो हाइड्रोलिक पंप जो लगाया गया है वो इसमें 40 लीटर का पंप लगाया गया है, 40 LPM, LPM मतलब लीटर पर मिनट। इसका फ्लो रेट जो है वो 40 लीटर एक मिनट में ऑयल जो है आउटपुट दे सकता है। तो पंप तो वही है जो पहले छोटी मशीनों में लगता था, वही पंप है। टायर ऑब्वियसली सब कुछ वैसे ही है पहले से ही। जो मेजर चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या इस मशीन में मेजर चेंज किए गए हैं, और ये छोटी मशीन किस तरह से शानदार बनाई गई है और सुधार करके कैसे बनाई गई है ताकि आप लोग सुविधाजनक तरीके से ड्रिलिंग कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएँ। हमारा उद्देश्य यही है, मशीन बनाने का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि मशीन को कितना सुविधाजनक किया जा सकता है और मशीन कितना काम आपका आसान कर सकती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हो या फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हो, कंपनी के फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हो। आपको प्राइस के बारे में जानना है तो कंपनी के फ़ोन नंबर में पूछ सकते हो। बहुत बार लोग कहते हैं कि आप वीडियो में प्राइस क्यों नहीं बताते हो, तो भाई वीडियो आज आप देख रहे हो, 2 साल बाद भी ये वीडियो आप देखा जाएगा, ये मशीन भी बनेगी, तो इसलिए प्राइस क्या है ना कि अपडेट होते रहते हैं, तो प्राइस के लिए आप थोड़ा सा तकलीफ करिए और फ़ोन नंबर पे एक कॉल लगाइए, आपको प्राइस इमीडिएट पता चल जाएगा। अब एक आइडिया तो आपको हो ही गया होगा कि ये 22 हॉर्स पावर से छोटा है और 14 हॉर्स पावर का जो छोटी मशीन बन रही थी उससे एडवांस है, तो सीधी सी बात है प्राइस कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अप्रॉक्स मैं आइडिया दे दूं कि आपका ये मिड रेंज में जो जाएगा मशीन आज का जो है लगभग ऐसे समझ लीजिए कि मेरा जो अंदाज़ा है 4,25,000 4,30,000 के बीच में इसका प्राइस होना चाहिए। बाकी आप कंपनी को कांटेक्ट करके उनसे प्राइस पूछ सकते हो, आपको तुरंत प्राइस लिस्ट भी भेज दिया जाएगा और पूरा ब्रोशर, जितने भी लीफलेट ब्रोशर वगैरह हैं सारे कुछ मिल जाएंगे। तो आपको मशीन, मेरा पर्पज़ है मशीन को दिखाने का कि मशीन आप देखिए कौन सी कैसी मशीन आ गई है जो आपके काम आ सकती है और उससे आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हो और कितना पैसा कमा सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है। प्राइस वगैरह जानने के लिए आप कंपनी को फ़ोन कर सकते हैं। तो जो चेंजेस थे, जो बदलाव हो गए हैं, मशीन और सुविधाजनक हो गई है और रिलायबल हो गई है, एफिशिएंट हो गई है, कार्यक्षमता सारी चीज़ें बढ़ गई हैं पहले के तुलना में। मशीनरी का काम ही यही है कि कैसे कैसे उसको एडवांस किया जा सकता है। हर मशीनिस्ट का, हर मैन्युफैक्चरर का यही उद्देश्य होता है कि कैसे मशीन को सुविधाजनक और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा एक बार फिर मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।